देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके फायदे नुकसान बहुत ज्यादा गिनाए जा रहे हैं। डेफिनेटली इसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एजुकेशन डोमेन में लेके आए हैं, जहां पर हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। आज जैसे वर्ल्ड डिप्रेशन डे भी है शायद, राइट, सो हाइपरटेंशन डे, सॉरी। सो उसमें आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बहुत से बच्चे भी आज की डेट में हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया है, कम्प्लीटली हमारा अपना डेवलप्ड एल्गोरिथम है। हम इसमें बच्चे का कॉन्टिन्यूसली फेशियल एक्सप्रेशन कैच करेंगे, उस फेशियल इमोशंस को हमारा AI इंजन जो है वो एनालाइज करेगा और पेरेंट्स के लिए और स्कूल्स के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या वो डर में हैं, या वो परेशान हैं, या वो खुश हैं, या वो मतलब एंग्री हैं किसी भी चीज से। क्योंकि राणा जी, पहले भी देखा गया है कि डिप्रेशन का शिकार हुए हैं बच्चे कई, और कई ऐसी मिसहैपनिंग भी। देखिए, बड़ों में डिप्रेशन बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, बच्चों में उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हम ये कह के पीछे हट जाते हैं कि बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, वो बात नहीं करते, लेकिन उसकी तह तक कोई नहीं जाता, उसकी काउंसलिंग्स नहीं होती, उस तरीके से बच्चों का कैरियर, बच्चों की लाइफ नुकसान हो जाता है। सर, आज एक डेमो जो आप करके दिखाने वाले हैं, इसका जो पूरा एक स्क्रीन है, इसका क्या महत्व है, किस तरह से इसमें पता चलेगा? देखिए, ये एप्लीकेशन जो हमने डेवलप की है, स्कूल्स इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो बच्चे हैं उनका इमोशंस जो है कैमरा कैच करेगा, बच्चों के नेम से बाय डिफॉल्ट वहां पर उनकी सारी डिटेल्स डेटाबेस में अवेलेबल होती हैं। मान लीजिए आप गेट से एंटर हुए तो आपका नाम वहां पे डेटाबेस में रजिस्टर है, तो ऑटोमेटिकली आपको बैठना नहीं है इसके सामने, आपके चलते फिरते अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही आपका फेशियल डिटेक्ट होगा और आपका बेसिकली एनालिसिस भी ये करेगा। जब हमारे पास एक बहुत सा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, एनालिसिस के लिए हमें थोड़ा डेटा ज्यादा चाहिए होता है, वन टाइम में हमारे पास बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते, 1, 2, 3, 4, लेकिन जब आपका फेशियल एक्सप्रेशन हर रोज कैच होंगे, हर रोज रीड होंगे, तो उससे आपकी एक प्रोफाइल तैयार होगी। हमने इसको नाम दिया है इमोशनल कोशेंट प्रोफाइल। ये इमोशनल कोशेंट एनालिसिस है कि बच्चे किस तरह के इमोशंस में हैं। खास तौर करके देख लें, हाँ, बिल्कुल जी, आप अपने ऊपर ये एक अपने ऊपर कीजिए। चलो, एक ये जो स्टार्ट रीडिंग इमेज, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फेस को रीड करेगा। ठीक है, अब ये रीड कर रहा है फेस को, अब आपका रीड कर रहा है ये फेस। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें अब ये एनालाइज कर रहा है, ये एनालाइज कर रहा है। यहां से अगर आपका नाम सेव होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका नाम आ जाएगा, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से हमने शो किया है ग्राफिकली कि आप कैसा फील कर रहे हैं। मेरा जो है, हे योर डोमिनेंट इमोशन इज न्यूट्रल, आप इस वक्त न्यूट्रल फेस में हैं। ठीक है, ना खुश है, ना नाराज है, ना गुस्सा है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस वक्त न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल में आपका जो प्रोफाइल बनेगा, एक तरह से नीचे इसका अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका डोमिनेंट बिहेवियर क्या है, आप इसके बारे में सारा जानकारी दी है कि बिहेवियर एग्जैक्टली इसके, हाँ जी, इसके बारे में एक बड़ी डिटेल्ड प्रोफाइल आपकी रेडी होगी, और जब डेटा कंपाइल होगा तो और बेटर रिजल्ट आएंगे। जब ज्यादा डेटा कंपाइल होगा, आपका डोमिनेंट बिहेवियर क्या है, आपका डोमिनेंट इमोशन क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका अपीयरेंस क्या है, तो ये सब चीजें आएंगी। इसके अलावा बहुत से पैरामीटर्स हैं जो इसको आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है, उनके उनके बिहेवियर, उनका इमोशनली, उनके हैप्पीनेस, या फिर किस तरह से उनका। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लाइक या डिसलाइक करते हैं, या एक पर्टिकुलर आज की डेट में एक थोड़ा सा हमारे बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, लेकिन कौन स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कौन म्यूजिक में जाना चाहता है, कौन फिलॉसफी में जाना चाहता है, कौन पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली जब इस तरह का इमोशंस एनालिसिस होगा बच्चों का, तो टीचर्स को और पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ पे काम करने दीजिए, ना कि आप उसको उस तरफ पुश करें जो वो नहीं करना चाहता। ये चीज बहुत ही कह सकते हैं कि देखिए बहुत हेल्पफुल होगी, और कुछ हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स जो हैं इसको यूज कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, उसको देखते हुए हमने इसको यहाँ पे लॉन्च करने का डिसाइड। एक सवाल और है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि इसके बेनिफिट भी हैं, लॉसेस भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आजकल जो एक वॉयस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो अपनी ही वॉयस जो है उसको थ्रू क्लोन करने के लिए, हाँ, वो भी काफी मामले आ रहे हैं सर। हाँ, देखिए क्लोनिंग के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डीप फेक एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स हैं, फॉरेंसिक टूल्स आ रहे हैं डीप फेक एनालिसिस के, तो उनको पकड़ा जा सकता है, बट फर्स्ट टाइम में कोई भी इसके धोखे में आ जाता है। ओके, हाँ जी, यानी कि पहले ऑब्वियसली कि आवाज बिल्कुल सिमिलर लगेगी आपको, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जी। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते, हालांकि जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है काफी
बेहद हेल्पफुल हो सकता है स्कूल के मैनेजमेंट के लिए भी, इवन पेरेंट्स के लिए भी और एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से उनका बिहेवियर है, किस तरह से वो स्ट्रेस में तो नहीं है, वो किसी तरह से कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी अपीयरेंस कैसी है, बहुत सारी चीजें और आज के टाइम में बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेट कई ऐसे मामले सामने आए हैं, अभी दो दिन पहले ही खरड़ से भी एक अनफॉर्चुनेट बच्चे की मौत हुई है थर्ड फ्लोर से गिरने से। लेकिन इस तरह के मामले क्यों हो रहे हैं, इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, उनकी बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, उनमें किस तरह से डिप्रेशन, ये सारी चीजों को लेकर जरूर एक इमेजिन पूरा सर्वे करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है जैसे सर ने बताया, और ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं स्कूल्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एज वेल एज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए भी। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।